तो यहाँ पे कोट खालसा पुलिस इंचार्ज और यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस थाने के इंचार्ज भी पहुँच चुके हैं। तो लाइनें आप देख सकते हैं और इधर भी ये महिलाओं की लाइनें हैं और पुरुषों की ये लाइनें देख सकते हैं आप। सबसे बड़ी बात कि ये हिंदुस्तान है, जी हाँ, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग खड़े हैं। कोई पंजाब से भी हैं, कोई हिमाचल से भी हैं, कोई यूपी से हैं और कोई बिहार से हैं। तो ये सब लाइन है। सबसे बड़ी बात कि ये लोग वो ऐसे लोग हैं जो अभी गांव नहीं गए हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है। सूरज। सूरज, ये बताओ आप गाँव क्यों नहीं गए? गाँव यहीं पर रह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। राशन पानी मिल रहा है अब आपको? हाँ, माड़ा बोटा मिल रहा है। तो राशन पानी मिल रहा है, तो जैसा कि इन्होंने बोला, तो आपका नाम क्या जी? रमेश। कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल के। हाँ, नेपाल। नेपाल, तो आप नेपाल क्यों नहीं गए? गाड़ी बंद है हमारे, बॉर्डर बंद है अभी। हाँ, मोटर बंद है। मोटर बंद है, मोटर खुली होगी तो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो मोटर खुली होंगे तो जाएंगे, तो हम और भी लोगों से बात करेंगे। अलग अलग लाइनें हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? अमित। अमित, कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के। लोगों से हम जानेंगे, क्या नाम है बाबू आपका? महेश गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? बिहार का। बिहार, तो गाँव क्यों नहीं गए? गाँव कैसे जाए सर, हमारे पास पैसे नहीं था। ट्रेन चली जो? ट्रेन से मैं नहीं जा पाए। ट्रेन पे नहीं जा पाए, तो अब गांव जाना है? अब तो खुल गया सब कुछ, तो अब करेंगे काम यहीं। जी माँ, मैं घर पे भूल गया। भूल गए? रुमाल? रुमाल भी नहीं लाया सर। रुमाल भी नहीं लाया, तो राशन लेने आए? कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। अच्छा, कोरोना क्या है? कोरोना एक बीमारी है। कैसे होती है वो? हमने तो कभी देखा तो नहीं है, लेकिन बहुत दर्दनाक बीमारी है। तो मास्क पहन के रखो। ओके। तो जैसा कि हम आपको बता दें, लंबी लंबी लाइनें हैं। कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई नेपाल का है, पूरा हिंदुस्तान है यहाँ पे। तो ट्रेनें यहाँ पे चली हैं, लेकिन इनके जज्बे को सलाम है, कहते हैं कि हम यहीं रहेंगे और यहीं पे काम करेंगे। आपका नाम क्या है? साहुल प्रसाद। आप गांव क्यों नहीं गए? पाए नहीं अभी गाड़ी। तो अब यहाँ पे कामकाज खुल गया है, तो गांव जाओगे या नहीं जाओगे? अगर कामकाज खुल गया है तो नहीं जाएंगे। कामकाज खुल गया है तो हम नहीं जाएंगे। तो जैसा कि इन लोगों का जज्बा है, कहते हैं कि कामकाज खुल गया है, हम नहीं जाएंगे गांव। और यहाँ पे ये लंबी लंबी कतारें जो लगी हैं, यहाँ पर राशन वितरण समारोह आज यहाँ पे वार्ड नंबर 77 में किया जा रहा है, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे। पुलिस थाना इस्लामाबाद और कोट खालसा पुलिस के इंचार्ज भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और लंबी लंबी लाइनों में ये हिंदुस्तान खड़ा है। जी हाँ, कहीं हिंदुस्तान ही नहीं, मैं यूँ कहें नेपाल के भी यहाँ पे लोग हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये महिलाएँ हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे। बहन जी, आपका नाम क्या है? मीना देवी। मीना जी, ये बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार के। बिहार के, तो हाँ, आपका परिवार गांव क्यों नहीं गया? गांव नहीं गए, क्या गांव जाके मिलना वहाँ। अच्छा, तो हाँ। अब कामकाज यहाँ खुल गया है तो यही रहेंगे? हाँ जी। चलिए, कामकाज खुल गया तो महिलाएं भी कहती हैं कि कामकाज खुल गया, हम यहीं रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, ये लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर, जज्बे को सलाम है। तो हम और भी लोगों से जानेंगे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हिदायतुल्ला। अरे वाह, मोहम्मद साहब कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार, तो बिहार क्यों नहीं गए? काम गए नहीं। अच्छा, आप कामकाज यहाँ खुल गया है तो आप जाओगे या नहीं जाओगे? काम करेंगे, यही काम करेंगे। तो जैसा कि जज्बा है, राशन वितरण यहाँ पे समारोह है, राशन मिल रहा है, और इन लोगों का जज्बा है कि अब वो गांव नहीं लौटेंगे, कामकाज खुल गया, हम यहीं रहेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर, यहाँ पे थाना इस्लामाबाद के अनिल कुमार जी और संजीव कुमार कोट खालसा इंचार्ज के साथ साथ विराट देवगन है, उनकी पूरी टीम है। राशन वितरण यहाँ पे समारोह किया जा रहा है वार्ड नंबर 77 में। तो सबसे बड़ी बात कि लोगों का जज्बा है, जो मजदूर पेशा लोग हैं, वो कहते हैं कि हम गांव नहीं लौटेंगे, क्योंकि कामकाज खुल गया है, हम यहीं रहेंगे, यहीं काम करेंगे, यहीं अपनी ज़िंदगी का बसर करेंगे। तो ये जज्बा है इनका। और ये राशन वितरण समारोह लाइव भारत पर आप देख रहे थे। देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों अज राशन वितरण की लगातार दे विच वार्ड नंबर 77-75 जिहड़े माइग्रेंट्स लेबरर, जिहड़े अपने प्रवासी भरा जिन्हां थोड़ा जिहा राशन तो रह गए सी, उन्होंने अज राशन वितरण किया जा रहा है। और मैं जान के दस के बड़ी खुशी हो रही है कि इतने ये फाइनल लिस्ट है, इस तो उपरंत कोई भी प्रवासी भरा घट्टो घट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी च, इस वार्ड च राशन तो बच्चा वंचित नहीं रह गया। और यह भी जान के बड़ी खुशी हुई है कि जिथे असी रोज़ खबर सुनते हैं कि मास एक्सोडस हो रहा है, माइग्रेशन हो रही है, प्रवासी जा रहा है, इस वार्ड चो और इस हल्के चो जी प्रवासियों की माइग्रेशन बहुत घट हुई है, बहुत ना के बराबर हुई है। और इसलिए और ना के बराबर हो सकी है कि इतने जी राशन प्रणाली से, राशन वितरण से, असी बड़ा सिस्टमैटिक और पूरा सूचीबद्धि किया। और जो प्रवासी जे इन यूनियन के ही जो भरा ही इन्हें जे मोहतवर से उन्होंने ना लैके उन्होंने लिस्टा बना के पूरे प्रॉपर तरीके। आज वार्ड नंबर 77 का हमने फाइनल किया, जिसमें 125 प्रवासी मजदूरों को
हमने राशन वितरित करवाया, जिसमें हमारी टीम के सारे मेंबर्स और कॉरपोरेशन से और हमारे विशाल बधावन जी, कौंसलर साहबान, हमारे पंजाब पुलिस के सभी सहकर्मियों का मतलब भरपूर साथ मिला। हमारे टीम के हर एक मेंबर इसमें जमीनी स्तर पे हर एक प्रवासी के घर तक पहुंचा और उनको राशन वितरित किया। इस माध्यम से मैं सबका धन्यवाद करता हूं। असी अज अपना विराट देवगन जी जिहड़े कौंसलर ने इस वार्ड दे, सानू इन्होंने साडियां सेवावां तो खुश होकर सानू इत्थे बुलाया है। इन्होंने भी जदों दा लॉकडाउन होया है काफ़ी लोगों इन्होंने राशन डे बाय डे दिता है, जिथे भी इन्हों पता लगा भी इतने राशन की लोड़ है तो इन्होंने उत्थे इन्हों प्रोवाइड किया। तो जिहड़े साढ़े अपना प्रवासी भरा ने अज लास्ट दिन सी इन्होंने इतने बुला के राशन जिहड़ा आ अज दिता है, तो ये बहुत वधिया गल है। मैनू बहुत माण महसूस हो रहा है, साढ़े बड़े होनहार विराट देवगन जी। मैनू याद है कि कभी किसी प्रवासी मजदूर ने आके मेरे को गल करनी सानू राशन नहीं मिले तो मैं इन्होंने गल करनी, मेरे को भेजो इन्हों हमने भेजो, मैं इन्हें राशन देना, इन्हें वापस नहीं जान देना, इन्हों बंदा भेज दो। उस वे राशन देंदे रहे ने इन्होंने अपने मेरे हिसाब न सरकारी राशन तो जो दस दिता कि मिले तो वंडिया, अपने पल्यों भी 2-4 लाख रुपये का राशन इन्होंने अपने लोग पल्यों भी वंडिया होगा, घट्टो घट भी मेरे को काउंट नहीं है, मैं फिगर दसदा एक्चुअल फिगर की है, क्योंकि मैनू पता है कि मेरे को कई बार इन्हों के बंदे इलाके से आने तो इन्हों मैं कहना विराट भाजी आए ने बेचारे प्रवासी वीर अपने, इन्हों कहते भी राशन नहीं मिले, इन्हें जल्दी भेजो बंदा भेजो ना मेरे को, मैं उन्हें राशन दे देना। तो मेरे इलाके से मैं प्राउड महसूस करता ये सारे कौंसल मेहरबान हो जान, इन्ने होनहार हो जान, तो घरों पैसे लाने वाले हो जाए ना, तो कोई प्रवासी तो कोई पंजाबी नहीं, सारे एक ही आप जो साढ़े ना काम करते हैं वो साढ़े पर प्रवासी नहीं गे, वो साढ़े भरा ने प्रवासी किसी के होर वर्ल्डिंग साड़ी वर्ल्डिंग साढ़े भरा ने जोड़े साढ़े ना हाथ ना हाथ उडा के बह ना बह उडा के मोटे ना मोटा लगा काम करते हैं, जो साढ़े ना काम करता वो साढ़ा भरा है। तो इन्होंने भरावान साढ़िया जे आए ने बहरों साढ़े को रेंदे हम बड़ी खुशी है कि बहर वापस नहीं गए, पर मैं इन्हों वादा करता जिमें विराट जी ने कहा कि जे दोबारा इन्होंने कोई मुश्किल आ जाए तो ये विराट जी उन्होंने मतकों तो पिछे नहीं हटनगे। 7 के जी डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट डे प्रवासी भरा जे कि साढ़े मेहमान ने उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद के नाल मिलकर असी वार्ड नंबर 77 के जोड़े प्रशासनिक अधिकारी ने उन्हों का सम्मान किया, क्योंकि इन्हों के सहयोग तो बिना यह काम सफल नहीं हो सकता। मैं माण महसूस हो रहा है दसते हुए डॉक्टर राजकुमार वेरका जी उन्होंने सही उन्होंने दिशा निर्देशों के हेठ वार्ड नंबर 77 के कोई भी जड़ा प्रवासी भरा साडा हैगा अपने प्रदेश वापस नहीं गया, वो सारे इतने ही ने। राशन की समस्या के कारण कोई भी प्रवासी भरा वापस नहीं गया और इन फ्यूचर भी इन्होंने प्रवासी भरावान कोई जो परेशानी आएगी असं इन्हों का पूरा सहयोग करा। अज इस मौके के उत्ते SHO इस्लामाबाद, SHO कोट खालसा, चौंकी इंचार्ज कबीर पार्क और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के विशाल वधावन जी सतेंद्र जी इन्होंने भी इन्हों का असं सम्मान किया कि सारे प्रोग्राम के पिछले 2 महीनों के जिते साढ़े वलंटियर्स ने सेवा की है उत्थे इन्होंने भी साढ़े नाल मोढ़े दे नाल मोढ़ा जोड़ के प्रॉपर सेवा की है, जिते असी जरूरतमंद रेजिडेंट ने उन्होंने सेवा की है, प्रवासी भरावान के बिना किसी भेदभाव तो असी घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूशन की है और असी ये काफ़ी सफल हुए हैं। धन्यवाद। शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।